सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट ग्लोबल जॉब को अचीव कर सकता है। देखिए, बहुत सारे बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। मैंने देखा टैली सीख रहे हैं वो लोग, एमकॉम में एडमिशन ले लिया है, फिर भी 30,000-40,000 की जॉब के लिए स्ट्रगल। बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंटरनेशनल जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है, एक बीकॉम स्टूडेंट की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। सो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास कौन कौन सी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं ECCA, USCPA, बेसिकली ये दो जो दोनों प्रोफेशन है ये ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वैसे ही अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट को USCPA बोला जाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ECCA UK का प्रोफेशन है। तो अगर आप ट्रेडिशनल कोर्सेस लाइक CA, CMA और कंपनी सेक्रेटरी नहीं करना चाहते तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशंस को ग्लोबली इन प्रोफेशन को चूज कर सकते। साथ में मैं बात करूं USCMA और CMA, जैसे इंडिया में CMA होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कोर्स, जो कि अमेरिका का है, ये ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है। इंडियन CMA जो कि केवल इंडियन टेरिटरी तक रिस्ट्रिक्टेड है, वहीं USCMA की जो रीच है वो ग्लोबल है। तो अगर आप ग्लोबल प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो CMA है, USCMA है। उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं इनरोल्ड एजेंट, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का। US टैक्सेशन, बहुत सारा जो US का आउटसोर्सिंग वर्क है वो इंडिया में माइग्रेट हो जाता है, तो आप अमेरिका के टैक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, वो भी 6 मंथ में, और IFRS जो कि ग्लोबली वर्ल्ड के द्वारा अडॉप्ट किया जा चुका है। तो आपको जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल कोर्सेज की ओर लुक ऑन करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप टैली सीख रहे हैं, एमकॉम ज्वाइन कर रहे हैं, MBA किसी मीडियोकर कॉलेज से कर रहे हैं, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। 10 साल काम करने के बावजूद लोग 20 लाख के पैकेज पे नहीं पहुंच पाते, वहीं अगर आप 3 साल इन कोर्सेज के साथ में आपको 3+ का एक्सपीरियंस होगा, डेफिनेटली आपकी रीच 20 लाख से कहीं ज्यादा होगी। तो बेस्ट पार्ट ऑफ इन इंटरनेशनल कोर्सेज क्या है जानते हैं आप? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यहां पर आपको कोई लॉन्ग आर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, एक एक पेपर देकर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सेगमेंट में बात करने जा रहा हूं, शॉर्ट टर्म और लेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपका क्राइटेरिया समय को लेकर है कि सर हम लेस देन 1 ईयर में कोर्स को कंप्लीट कर लें, लेस देन 1 ईयर या 8 महीने में कंप्लीट कर लें और इन्वेस्टमेंट भी हमारा ज्यादा नहीं लगे, तो वो मैंने यहां पे 3 कोर्सेस को क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला कोर्स मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इनरोल्ड एजेंट, अमेरिका के टैक्स एक्सपर्ट का लाइसेंस। आपके पास एक लाइसेंस है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, केवल एक ही सब्जेक्ट की 3 एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। सर इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की रेंज में लगेगा आपका, 5-6 मंथ में आप क्रैक कर सकते हो, और मिनिमम सैलरी 5-6 लाख, मतलब 40-50,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। तो क्यों आफ्टर ग्रेजुएशन आप टेली सीखते हैं, बीबीए करते हैं, बीबीए के बाद एमबीए कर रहे हैं, बीकॉम के बाद लोग एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5-6 लाख तो लग ही जाता है लोकल कॉलेज का, और अगर और भी बेटर कॉलेज में जाना है तो टॉप 20 कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो 20 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट, वहीं यहां केवल 1,20,000, 6 मंथ की स्टडी और आपको 40-50,000 की जॉब रेडीली अवेलेबल है। सर हमारा टैक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो USCMA एक बहुत अच्छा प्रोफेशन और एक IFRS। अगर आप अकाउंटिंग कोर में अपना करियर देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट 1.5-1,07,000 के आसपास 8-12 महीने में 6 लाख का आपको पैकेज मिल जाएगा, वहीं IFRS केवल 50,000 से कम अमाउंट को इन्वेस्ट करके आप एक ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट से जिनको अवेयरनेस नहीं है
वो कई बार डिप्लोमा कोर्सेस ऐसे कर लेते हैं जिसको करने के बावजूद भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। वहीं अगर आप ये इंटरनेशनल कोर्सेस को करेंगे, आपकी वर्थ काफी अच्छी होने वाली। उसका एक बहुत बड़ा रीजन, इंडिया इज ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग फाइनेंस हब। इतना ज्यादा काम आउटसोर्स होकर इंडिया में आ रहा है कि जिसकी कोई कमी नहीं। आप देखिए, बिग फोर है, एक्सेंचर है, जेनपैक्ट है, बीडीओ है, कितनी सारी आउटसोर्सिंग फॉर्म्स हायरिंग कर रही है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले थोड़ा सा रिसर्च करें। बेटर है एमकॉम से बेटर आप सीपीए कर लें, यूएससीएमए कर लें, एसीसीए कर लें, किसी मीडियोकर कॉलेज से एमबीए से मच बेटर ये प्रोफेशनल डिग्री। क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री अगर आपने अचीव कर ली, आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। और द बेस्ट पार्ट, ना केवल इंडिया बल्कि आपकी जो रीच होगी वो ग्लोबल होगी। तो ग्लोबल सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। तो बीकॉम स्टूडेंट अगर अपनी लाइफ को टर्न अराउंड लेकर आना चाहते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के कोर्स डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा था कि एक बीकॉम स्टूडेंट भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल का बदलाव लेकर आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।